हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, आप सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। सो हमारे एंड से जो ऑडियो है वीडियो है आप इसको एक्सेस कर पा रहे हैं, इट इज ओके, तो क्विकली कंफर्म कर देंगे सो दैट वी आर एबल टू स्टार्ट द डिस्कशन। यस, मैं वेट कर रहा हूँ आपके कंफर्मेशन के लिए। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आई विल बी एबल टू स्टार्ट। तो चलिए आज के डिस्कशन हम शुरू करते हैं। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं फाइनेंशियल लीवरेज को, जो आपका चैप्टर नंबर 8 मॉड्यूल बी ABFM पेपर का पार्ट है। सो डेफिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, जो फाइनेंशियल लीवरेज की डिग्री है उसको कैसे डिफाइन किया जाए, तो उसका डेफिनेशन क्या है। सो इट इज रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन EPS एंड परसेंटेज चेंज इन EBIT। EBIT में कितने परसेंट चेंज हुआ और EPS के अंदर अर्निंग पर शेयर में कितने परसेंट चेंज हुआ। EBTI किसके लिए स्टैंड करता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और EPS अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर में कितना परसेंटेज चेंज आया और EBTI में कितना परसेंट चेंज आया, तो इसकी जो रेशियो है सो उस रेशियो को हम कहते हैं द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। और इसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। सो DFL इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इन दोनों का जो रेशियो है उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। अब इसको हम इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं। तो परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं इस प्रकार से। तो ये जो है डेल्टा, ये रिप्रेजेंट करता है चेंज को। सो चेंज इन अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, तो पहले से अर्निंग पर शेयर कितना है और अर्निंग पर शेयर में चेंज कितना आया है, सो इसको हम परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट कर देंगे। इसी प्रकार से चेंज इन EBIT कितना आया है और पहले से EBIT कितना है, तो इसके परसेंटेज को भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। और फिर इस पार्ट को हम डिवाइड कर देंगे बाय दिस पार्ट एंड वी विल गेट द रेशियो। आई होप ये रेशियो को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इससे पहले लेसन के अंदर हमने EPS का कंसेप्ट क्या है, अर्निंग पर शेयर का कंसेप्ट क्या है और EBIT क्या है, तो इनको हमने ऑलरेडी ठीक से अंडरस्टैंड कर रखा है। अगर आपने अभी तक पहला पार्ट वीडियो का नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लेना चाहिए टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स। नाउ दिस फॉर्मूले इट कैन बी फर्दर रिफाइंड एज अंडर, तो इस फार्मूले को हम थोड़ा डायसेक्ट करके और इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको और रिफाइन किया जा सकता है। लेट अस से वो हम कैसे रिफाइन करते हैं। सो इट इज द सेम थिंग, तो चेंज इन EBT डिवाइडेड बाय EBT, तो यहाँ पे हम इंस्टेड ऑफ टेकिंग अर्निंग पर शेयर हम EBT को ले रहे हैं और इधर एक गैप है उसको भी मैं पूरा करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास डिवाइडेड बाय का साइन है। तो ये एक पार्ट है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग EPS हम ले लेते हैं EBT को, अर्निंग बिफोर टैक्स को। तो यहाँ पे हमने अर्निंग पर शेयर लिया, यहाँ पे हम ले रहे हैं अर्निंग बिफोर टैक्स, और यहाँ पे हम उसी को रख रहे हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को।
तो हमारे पास ये दो पार्ट्स हैं, इनका जो रेशियो को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ऐसा हम क्यों कर सकते हैं? बिकॉज जो चेंज इन ईपीएस है डिवाइडेड बाय ईपीएस, तो दैट इज इक्वल टू ईबीटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, चेंज इन ईबीटी और डिवाइडेड बाय ईबीटी। ऐसा हम लास्ट स्लाइड के ऊपर अंडरस्टैंड भी कर चुके हैं, बिकॉज टैक्स रेट एंड नंबर ऑफ शेयर्स विच कोरिलेट ईपीएस एंड ईबीटी दे आर कैप्ट कॉन्स्टेंट, क्योंकि टैक्स का रेट भी सेम रहता है और जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं यानी जो इक्विटी का अमाउंट है वो भी सेम रहता है। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग ईपीएस हम ये कैलकुलेशन इस बेसिस के ऊपर भी कर सकते हैं। सो सिंस इंटरेस्ट इज अज्यूम्ड टू बी अ फिक्स्ड अमाउंट, एनी मार्जिनल चेंज इन ईबीटी विल बी इक्वल टू सेम चेंज इन ईबीआईटी। तो क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड अमाउंट है, तो ऐसा हम लास्ट सेशन के अंदर ऑलरेडी नोट कर चुके हैं। सो जो टर्म लोन्स लिए जाते हैं उनके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड रहता है, तो यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि उसका अमाउंट फिक्स्ड है। सो अगर कोई चेंज आती है, इवन स्मॉल चेंज, मार्जिनल चेंज अर्निंग बिफोर टैक्स के अंदर, तो दैट विल बी इक्वल टू द सेम चेंज इन ईबीआईटी, बिकॉज इंटरेस्ट पेमेंट इज कैप्ट एज फिक्स्ड अमाउंट। तो अब हम एक प्रैक्टिकल केस ले लेते हैं, एक केस स्टडी ले लेते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज का डिग्री DFL हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट अस रीड दिस इंफॉर्मेशन वेरी केयरफुली। EBTI इज इक्वल टू 200 एंड I दैट इज इंटरेस्ट इज इक्वल टू 40। इफ EBIT चेंजेस टू रुपीज 201, यानी 200 से वो 201 बन जाती है, इट विल रिजल्ट इन चेंज इन EBT टू 181 फ्रॉम 180। So it is not 180, it should be 160 in fact. Let me correct it. इसको मैं correct कर देता हूँ. So मैं repeat कर रहा हूँ इस information को. EBT is equal to 200 and interest is equal to 40. तो अगर EBIT 200 है, EBIT अगर 200 है और उसमें इंटरेस्ट अगर 40 है, तो ईबीटी हमारे पास कितना बचेगा? तो वी विल बी लेफ्ट विद 160 ऑफ ईबीटी। तो अगर ईबीआईटी 200 है और इंटरेस्ट 40 है, तो उस केस में ईबीटी हमारा 160 होगा। और अगर ईबीटी चेंज हो जाता है, ईबीआईटी चेंज हो जाता है, तो नया ईबीआईटी अगर 201 है लेकिन इंटरेस्ट तो फिक्स्ड रहना है, तो उस केस में जो ईबीआईटी है, सो दैट विल बिकम 161। सो दिस इज व्हाट वी आर टेलिंग हियर। और अगर ये हो जाता है 210, तो वो भी जो ईबीटी है वो भी कॉरस्पॉन्डिंगली उतना ही चेंज हो जाएगा, तो इट विल बी 270। तो यहाँ से वो 1 इंक्रीज हुआ, यहाँ पे वो 10 इंक्रीज हुआ। तो इसी प्रकार से ईबीआईटी यहाँ 1 इंक्रीज हुआ, यहाँ पे 10 इंक्रीज हुआ। तो जो इनमें इंक्रीज है वो सिमिलर रहेगी। देयरफॉर चेंज इन ईबीआईटी इज इक्वल टू चेंज इन ईबीटी। तो जितनी चेंज EBTIIT में आएगी उतनी ही चेंज EBT के अंदर आएगी। तो ये डेल्टा है, डेल्टा चेंज को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसके बेसिस के ऊपर हम जो फार्मूला है उसको इस प्रकार से मॉडिफाई कर सकते हैं। सो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू चेंज इन EBT
डिवाइडेड बाय ईबीटी, तो ये एक पार्ट है। चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, ये दूसरा पार्ट है। यहाँ पे डिवीजन का साइन होना चाहिए और इसको हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं। सो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी या DFL इज इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाई EBT, तो हम इस तरह से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये हमारा फार्मूला रिफाइन हो गया है, बिकॉज यहाँ पे जो EBT है वो दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ पे नोट कर रहे होंगे। सो चेंज इन EBT, चेंज इन EBT, तो अगर हम इसको हटा देते हैं तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाता है। सो EBIT डिवाइडेड बाई EBT। सो यहाँ पे EBIT को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से। सो सेल्स, उसमें से हम माइनस कर लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट को, माइनस कर लेते हैं फिक्स्ड कॉस्ट को जिसमें इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करते हैं, तो उस केस में हमारा EBT विल बी इक्वल टू EBIT माइनस इंटरेस्ट। हम वही बात है जिसको घुमा फिरा के कह रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की बात है। तो इस पार्ट को दोबारा से वॉच करें और फिर इन कॉन्सेप्ट को ठीक से अंडरस्टैंड करें और उसके बाद हम केस स्टडीज के ऊपर मूव करेंगे। तो लेट अस नाउ मूव टू केस स्टडी। तो ये इस इलस्ट्रेशन से हम अंडरस्टैंड करेंगे कि डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कैसे कैलकुलेट होता है। डेटा प्रोवाइडेड बाय XYZ Limited नाम की ये कंपनी है, इसने क्या डेटा हमें प्रोवाइड किया है। सेल्स अमाउंट है ₹48 लाख और पर यूनिट जो सेल है उसका वैल्यू है ₹100। वेरिएबल कॉस्ट 50% है सेल्स वैल्यू का। फिक्स्ड कॉस्ट 20 लाख है। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉस्ट को हम दो पार्ट्स में सेग्रीगेट कर लेते हैं, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट। सो फिक्स्ड कॉस्ट जैसे टर्म लोन का इंटरेस्ट है, रेंट है, ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट का पार्ट होते हैं। और भी कई तरह के एक्सपेंसेस हैं जो फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होते हैं। और वेरिएबल कॉस्ट क्या है, सो वेरिएबल कॉस्ट है डायरेक्ट कॉस्ट जिसके अंदर रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का कॉस्ट है, पावर एंड फ्यूल का कॉस्ट है। तो ये डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं विद रेफरेंस टू द सेल्स वैल्यू। तो वेरिएबल कॉस्ट हम अज्यूम कर रहे हैं दीज आर 50% ऑफ सेल्स वैल्यू, और फिक्स्ड कॉस्ट हमें परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये फिक्स्ड प्रोवाइड किए गए हैं। सो बोरिंग अमाउंट है ₹20 लाख का और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके ऊपर 10% पर एनम का है, और इक्विटी शेयर कैपिटल उसका वैल्यू भी 20 लाख है और ₹100 पर शेयर उसका डिनोमिनेशन है। टैक्स का रेट हम अज्यूम कर रहे हैं 50% का। हमने कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम इस इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हों। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ इस सारी इंफॉर्मेशन को सो दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। सो सेल्स ₹100 पर यूनिट है, 48 लाख का टोटल सेल है। उस सेल को अचीव करने के लिए जो हम प्रोडक्शन करेंगे उसका जो कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट उसमें 50% है टोटल सेल का और फिक्स्ड कॉस्ट 20 लाख है। जो अमाउंट बोरो किया गया वो भी 20 लाख है
और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। जो उसका अपना इक्विटी कैपिटल है वो भी 20 लाख है और टैक्स हम पे कर रहे हैं 50% के रेट से जो प्रॉफिट अर्न करेंगे उसके ऊपर। तो अब हमने डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करनी है, तो चलिए इसका कैलकुलेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेल्स वैल्यू को लिख लेते हैं, तो सेल्स वैल्यू इट इज ऑलरेडी गिवन हियर। सो सेल्स वैल्यू है 48 लाख का, वेरिएबल कॉस्ट उसका 50% है, तो 50% हुआ उसका 24 लाख। सो 48 लाख इंटू 50%, सो वेरिएबल कॉस्ट इज 24 लाख। तो अगर हम इन दोनों का गैप निकालते हैं तो हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। सो इसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, जब हम टोटल सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो वी गेट कॉन्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा हो गया 24 लाख का। सो कॉन्ट्रीब्यूशन में से अब हम माइनस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट को। फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलरेडी गिवन टू अस, दैट इज 20 लाख, तो इसमें से 20 लाख हम माइनस कर देंगे और हमारे पास EBIT बच जाएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो वो बच जाएगा हमारा 4 लाख का। यानी इस 4 लाख की अर्निंग के अंदर दो चीज़ें नहीं है, इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं है और टैक्स का अमाउंट नहीं है। तो अब हम इसके बेसिस के ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। सो इंटरेस्ट हमें 20 लाख की बोरिंग के ऊपर 10% के अकॉर्डिंगली पे करना है, तो इंटरेस्ट का अमाउंट हुआ ₹2 लाख। तो 4 लाख में से हमने 2 लाख इंटरेस्ट पे किया, सो वी आर लेफ्ट विद EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, तो दैट इज ₹2 लाख। और उसके बाद हम टैक्स पे करेंगे, सो टैक्स है 50% ऑन 2 लाख, तो टैक्स अमाउंट हुआ हमारा 1 लाख। सो अल्टीमेटली जो हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स है, सो दैट इज 1 लाख रुपी। ऑन दिस होल ऑपरेशन हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स है 1 लाख रुपीज। और अब हम इसके बेसिस के ऊपर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज को कैलकुलेट करें। सो अर्निंग पर शेयर हमारे पास कितना बना, अगर अर्निंग आफ्टर टैक्स है तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमारे पास कितने हैं। अगर 20 लाख का टोटल इक्विटी है और ₹100 एक शेयर का वैल्यू है, तो दिट मीन नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास हुए 20,000 के। सो 20 लाख को हम 100 के साथ डिवाइड करेंगे एंड वी विल गेट 20,000। अगर 20,000 शेयर्स हैं और अर्निंग आफ्टर टैक्स 1 लाख है, तो अर्निंग पर शेयर हमारे पास बना 5 लाख का। यानी 1 लाख को हमने डिवाइड किया 20,000 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर बन जाएगा हमारा ₹5, जैसा हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो अब हम DFL को कैलकुलेट कर लेंगे। और DFL के अंदर हमने क्या लेना है, हमने लेना है EBIT डिवाइडेड बाय EBIT। तो यहाँ पे हम डिवाइडेड का साइन लगा देते हैं। सो 4 लाख हमारा है EBIT और ये इन्फॉर्मेशन हमारी यहाँ पे अवेलेबल है। और EBT हमारे पास है 2 लाख, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस केस में जो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज है वो 2 times है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम ये कैलकुलेशन अगर ना भी करते, सो दिस कैलकुलेशन, तो भी हमारा काम चल जाता, देयर वॉज नो नीड फॉर मेकिंग दिस कैलकुलेशन, बट हमने इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कैलकुलेशन कर लिया है। तो ये हमारी आ गई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, सो दैट इज 2 times हियर।
तो आई होप हर चीज़ को हमने यहाँ पर अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, और अगर ऐसा है तो क्विकली स्माइलिंग आइकन पोस्ट करके कंफर्म कर देंगे दैट वी हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग प्रॉपरली। कर दीजिए कंफर्म। यस, मैं वेट कर रहा हूँ सभी स्टूडेंट्स के लिए। क्विकली कंफर्म कर देंगे दे हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग बाय पोस्टिंग स्माइलिंग आइकन। तो इसके बाद हम एक केस स्टडी और करेंगे, और उससे पहले जिन स्टूडेंट्स का अभी तक लाइक डिसलाइक नहीं हुआ है वो लाइक डिसलाइक को क्विकली कंप्लीट कर देंगे। सो डू इट क्विकली। और मैं ये याद करवाना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स को कि सीआईबी के अंदर केस स्टडीज़ का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, बहुत बड़ा वेटेज होता है ऑफ केस स्टडीज़ इन द टोटल पेपर। इसलिए केस स्टडीज़ को कभी भी इग्नोर मत करना, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा करोगे उतना कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, और कॉन्सेप्ट को बेसिकली क्लियर करने के लिए आपको वीडियो लेसन को यूज़ कर लेना चाहिए। तो वीडियो लेसन से आपके जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर होंगे और केस स्टडी से और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो उसके लिए बेस्ट क्वालिटी के वीडियो लेसन यूज़ करिए जो आपको हमारी ऐप में अवेलेबल हो जाते हैं। तो चलिए अब एक इलस्ट्रेशन हम और करेंगे। तो लेट अस रीड द इंफॉर्मेशन फर्स्ट। पहले हम इंफॉर्मेशन को रीड करें। एक्स वाई जेड कंपनी लिमिटेड प्रोवाइड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करते हैं। इक्विटी शेयर्स उनके पास 100 लाख के हैं और पर शेयर ₹10 है। 12% बॉन्ड्स उन्होंने पैसा रेस किया जिसका वैल्यू 74 लाख है और बॉन्ड का फेस वैल्यू 1000 ईच है। सो 12% मीन्स इसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% है। सेल्स उनकी हैं 168 लाख की एक साल की। फिक्स्ड कॉस्ट जिसमें इंटरेस्ट एक्सक्लूडेड है तो वो उनका है 13.92 लाख का। उनका जो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है तो वो है 27.55% का। जो इनकम टैक्स एप्लीकेबल है उनको पे करना है वो है 40% का रेट। हमने कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करेंगे, बिकॉज इसमें इंफॉर्मेशन हमें डिफरेंट वे में दिया गया है। जो पहला हमारा केस स्टडी था उसमें इंफॉर्मेशन डिफरेंट था और इसमें इंफॉर्मेशन हमें डिफरेंट प्रोवाइड किया गया है। चलिए हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। सो सेल्स वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, सो दैट इज 168 लाख। कंट्रीब्यूशन हमने कैलकुलेट करना है। सो कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को यूज करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमें 27.55 का दिया हुआ है। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को हम क्या करेंगे, सो सेल्स इनटू दिस रेशियो अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास निकल आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन। यानी सेल्स हमारे पास हैं 168 लाख की, उसका 27.55% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाता है 46,28,400 का। तो आप चाहें अपने लेवल के ऊपर इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए था तो वी गॉट द कंट्रीब्यूशन। उसमें से हम फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देंगे, तो जिसमें इंटरेस्ट एक्सक्लूडेड है। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमें गिवन है 13.92 लाख, तो इसको हमने माइनस किया 13.92 को। और ईबीटी हमारे पास बच गया है 32,36,400, यानी 46,28,400। इसमें से हम 13,92,000 को माइनस करते हैं
तुम्हारे पास रह जाता है 32,36,400 एंड दिस इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी इसमें टैक्स भी हमने एक्सक्लूड करना है और इंटरेस्ट को भी हमने एक्सक्लूड करना है बिकॉज इट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर हम इसमें से इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं तो इंटरेस्ट हमारे पास 12% का रेट है और 74 लाख का हमारे पास बॉन्ड का वैल्यू है, तो 74 लाख इंटू 12% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वी गेट दिस वैल्यू 8,80,000 हमारे पास इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा। और अब हम ईबीटी को कैलकुलेट कर लेंगे, सो ईबीटी विल बी इक्वल टू 23,48,400। तो यहाँ पे हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इट इज गिवन हियर, इसमें मैंने इंटरेस्ट को माइनस किया एंड वी आर लेफ्ट विद अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इसके बेसिस के ऊपर हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज को। तो ये हमारा फार्मूला यहाँ पे है EBIT डिवाइडेड बाय EBT। तो EBIT हमारे पास इट इज़ गिवन हियर 32,36,400, तो उसको हमने ले लिया डिवाइडेड बाय EBT। तो EBT हमारे पास 23,48,400 है, तो इट इज़ दिस वैल्यू और दिस इज़ द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। तो फाइनेंशियल लीवरेज की ये डिग्री हमारे पास अवेलेबल है, यानी जो फाइनेंशियल लीवरेज हमने करना है वो इस एक्सटेंट तक हम कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के और क्वेश्चंस करने की कोशिश करें आप अपने लेवल के ऊपर, तो ये कॉन्सेप्ट आपको और ज़्यादा क्लियर होना शुरू हो जाएगा। वेल फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि इन सभी कॉन्सेप्ट को आपने एक बार ठीक से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है, इसका कैलकुलेशन हमने कैसे करना है, फार्मूलों को हमने कैसे यूज करना है, तो ऑल दीज डिटेल्स नाउ वी हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड। फिर भी इस सेशन के साथ रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हो। आज के लेसन के अलावा अगर आपका कोई और क्वेरी हो तो उसके लिए आप हमें यहाँ पे ईमेल कर सकते हो। और एक विंडो और अवेलेबल है जिसके थ्रू आप हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, वो है हमारी ऐप अगर आपने इंस्टॉल कर रखी है तो उसके मैसेज बॉक्स को भी आप अपना मैसेज हमारे तक पहुँचा सकते हैं, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका इमीडिएट इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। सो फाइनेंशियल लीवरेज से जुड़ा हुए और कॉन्सेप्ट हम अगले लेसन में कंटिन्यू करेंगे। Thank you friends, all the best.